हिमाचल की सुक्खू सरकार का एक साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। सरकार 11 दिसंबर को जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। वहीं कांग्रेस के एक विधायक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रामलाल मारकंडे ने लाहौल स्पीति के कांग्रेस विधायक रवि ठाकुर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। मारकंडे ने कहा है कि रवि ठाकुर पैसे की उगाही कर रहे हैं। जो भी टेंडर लाहौल स्पीति में होता है उसमें उनका 10% फिक्स होता है। मारकंडे ने मुख्यमंत्री से उनका इस्तीफा लेकर विजिलेंस जांच करवाने की मांग की है। क्या कहना है पूर्व मंत्री रामलाल मारकंडे का, सुनिए। दुख होता है कि आज तक लाहौल स्पीति हमारा ऐसा जिला रहा है जहां आज तक कभी पैसे की उगाही नहीं हुई है, कभी कभी किसी भी पॉलिटिशियन पे उंगली नहीं उठा है। ये व्यक्ति इस व्यक्ति ने सिर लूटना शुरू कर दिया है, दुख होता है। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहता हूं, इसका बिजनेस इंक्वायरी हो और रवि ठाकुर का तुरंत रेजोल्यूशन लिया जाए, वरना लाहौल स्पीति के कांग्रेस पार्टी के विरोध में हमारी पार्टी जो है सड़कों में उतरेंगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे। मेरे पास बहुत प्रमाण है, मैं अगले वक्त मिलूंगा आपसे, किस किस कैसे कि कहां किस किस अकाउंट के नाम पे पैसे, कहां पर अकाउंट नंबर, मेरे पास अकाउंट नंबर भी है। रवि ठाकुर के पास जो पैसे दिए गए हैं अकाउंट में नंबर में बस ही है, किस अकाउंट में पैसे दिए मैं अकाउंट नंबर अगले बार दूंगा आपको। मैं इंतजार कर रहा हूं आदरणीय सुप्रीम सुक्खू जी कब तक इस पर एक्शन लेते हैं। नहीं लेंगे तो निश्चित तौर पर अब जो है विधानसभा का घेराव करने में लाहौल स्पीति से हम लोग पहुंचेंगे।